हाँ बैठिए बैठिए बैठिए। नमस्ते। हाँ तो आप इसके पिताजी हैं? अच्छा, मेरे को आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, और तुम तो बीच में बोलना मत। आप बताइए, ये घर पे करता क्या है? घर पे पढ़ता रहता है पूरे दिन। अच्छा, पढ़ाई करता है, और क्या करता है? कमरे से बाहर ही नहीं आता, घंटों तक बाहर नहीं आता। ठीक है, आपने क्या नाम बताया अपना? बबलू जी, आपका लड़का इतना हरामी है, इतना हरामी है, हमारी जान खा चुका है ये। अगर इसके कारनामे मैंने आपको बता दिए, आप पहले दो थप्पड़ मेरे मारेंगे, फिर दो अपने मारेंगे। आप समझ रहे हैं मैं आपसे कितनी गंभीर बात करने वाला हूं? पिछले हफ्ते क्या हुआ? क्या है ये? चाय है? ठीक है। अरे उस पे मलाई तैर रही है यार, हटाओ, दही बल्ला लग रहा है वो, हटा, लेके जाओ उसको। 3 दिन पहले हमने सारे बच्चों से एक फॉर्म भरवाया, उस फॉर्म में इनको अपना नाम और सेक्स लिखना था। अब नाम के आगे इसने अपना नाम लिख दिया, अब सेक्स के आगे आप और मैं मेल या फीमेल लिखेंगे? जी इसने भी मेल लिखना चाहिए जी था, जी इसने सेक्स के आगे लिखा है करवा दो, करवा दो। क्या करवा दो? ये उम्र है धार्मिक चैनल देखने की, स्पोर्ट्स देखने की, कार्टून देखने की, ये क्या देख रहा है? हेंटाई देखता है ये? अभी पिछले हफ्ते की परीक्षा में हमने सारे विद्यार्थियों से एक आसान सा सवाल पूछा कि अगर अरुण की बीवी का नाम सरिता है तो अरुण का भाई उनको क्या कह के बुलाएगा? आपका जी लौंडा कह रहा है सविता भाभी बुलाएगा। बबलू जी, घर पे क्या देख रहा है ये लड़का? सर, मेरे क्वेश्चन पेपर में मिसप्रिंट था। तो 40 बच्चों की क्लास में सिर्फ तुम्हारे पेपर में मिसप्रिंट था, वो भी सविता भाभी के नाम का। इसके साथ के दो लौंडे हैं, उन्होंने भी सेम जवाब लिखा है, मतलब तुम तीनों के पेपर में ही गड़बड़ थी। अगर एक बंदे को पेशाब लगा है तो बाकी दो क्यों जाते हैं पीछे पीछे इसका धोने? उस दिन इंग्लिश की क्लास में सेंटेंस लिखा था कूल ब्रीज, आपके लौंडे ने लिखा है कूल ब्रेजर्स। जब इसकी आंसर शीट पढ़ता हूं ना मैं, तो मुझे ऐसा लगता है मैं प्लेबॉय की कोई मैगजीन पढ़ रहा हूं। हर जगह अश्लील चीजें लिखी हुई हैं इसने, क्या कर रहा है ये? उस दिन जब मैंने तुमसे पूछा कि इस सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करो, तो तुमने क्या किया? इसको मैंने कहा कि जॉनी को अपना काम अच्छा लगा तो वो करता ही गया, अपना काम करता ही गया, तो इसने क्या बोला? जॉनी लाइक हिज वर्क एंड डन डना डन डन डना डन डन। ये लिखता है ये एग्जाम में। बड़ी मुश्किल से मेरे को सिक्योरिटी गार्ड से टीचर की नौकरी मिली है, मैं छोड़ना नहीं चाहता, इसको समझाइए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, इसको समझाइए। आप बताइए, नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पे पहला कदम रखा, दूसरा कदम किसने रखा? जी नील आर्मस्ट्रांग नहीं रखा होगा दूसरा भी। क्यों भाई? अब लंगड़ी करता हुआ थोड़ी जाएगा वहां पे। आजकल थोड़ा हॉर्नी फील कर रहा है, काफी दिनों से मौसम भी ऐसा है, तो अब क्या करूं मैं, मेरी पत्नी, हम सब हॉर्नी फील करते रहते हैं बीच बीच में, तो उस चक्कर में क्या पता घर का माहौल वैसा हो गया हो कि पढ़ ना पाया हो, वरना लड़का होनहार है मेरा, मैं आपको लिख के देता हूँ। आप जाइए, चलो। खानदान है क्या है ये? अरे चाय तो पिला दो।